करते हैं। मैंने मम्मी को ये रिकमेंड करा, आपको तो इतना अच्छा फोन, टीवी, एक रिक्शा भी नहीं है, पर बस मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, दो दिन से ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है एंड लेट सोकर उठी, ब्लॉग एडिट नहीं हुआ था, आंखें खुल नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि जब आपकी आंखों में नींद होती तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में रह जाती हैं। तो गाइज, अभी बस मैं नहा कर हुई हूँ रेडी, रूम क्लियर करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, तो बस यही प्रोसेसर चलेगा अभी। तो गाइस, गोलू अभी आ चुका है स्कूल से एंड गोलू का ना रोज का सिस्टम हो चुका है आइसक्रीम खाने का। बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ, गर्मी हो रही है लेकिन गोलू तुम खा भी, तब मुझे भी खिलाओ। यहाँ पे जूते चुपचाप यहाँ पे उतार देना, है ना, यहाँ पे उतारना जूते, क्योंकि सब मैं धूल नहीं, क्योंकि पोछा लग चुका है। और कपड़े जो है उतार के यहाँ पे रखना और मुंह धो के चुपचाप लेट जाना यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मैं कपड़े में आके दूंगी, हल्ला मत काटना, ओके। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 एंड गोलू अभी भी सो रहा है। गोलू 100% आज गोलू की डांस की छुट्टी होगी। तो गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ किसी काम से, तो बस मैं रेडी होंगी और रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, गर्मी बहुत है, ज़्यादा चिपचिपा रही है, तो मैं तैयार होती हूँ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ इस वक्त रेडी और बस मैं निकल रही हूँ। चोटी बनाओ या फिर ओपन हेयर्स, समझ नहीं आ रहा है। ओपन हेयर्स नहीं, ओपन हेयर्स नहीं, मेरे को तो ये वाली बोल, अब हुआ ये वाली बोल लगानी है। पता नहीं कैसे लग रही, शीशे में जाके देखना पड़ेगा। सो गाइस, आज ना बालों में हल्का हल्का सा ऑयल हो रहा है। अब ऑयल क्यों हो रहा है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका रीज़न बड़ा बेकार रीज़न है। आज मैं थक गई सुबह से, तो मैंने ओपन हेयर्स का ही फैसला किया है एंड मैंने ये लिए है, गले में इस टाइम चेन पहनी है इस तरीके, मैं लूँगी पर्स, गाइस पर्स को, अरे अभी पर्स को गए पे। सो गाइज, हो चुकी हूँ मैं कम्प्लीटली रेडी एंड इसके साथ लिया है मैंने ये वाला पर्स। ये मैंने आपको कलेक्शन में नहीं दिखाया था, मतलब जो मेरी शॉपिंग थी वो नहीं दिखाया था। तो गाइज, ये मतलब जो मुझे बैग था ना, पर्स छोटू से बहुत क्यूट लगा था एंड मम्मी के पर्पज से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मम्मी को ये रिकमेंड करा, आपको तो इतना अच्छा फोल्ड वाला पर्स है। मैं कहा सोच रहा था हम जैसे को चाहिए यार, जो इसके पास इतने बड़े बड़े पर्स हैं, वो है फ़ोन है। मैंने कहा आपको इतना फोल्ड छोटू सा फ़ोन है, आपको ईजी रहेगा। मम्मी बोले लास्ट ओके चलो। तो गाइस, मैं अभी फिलहाल तो निकल रही हूँ, थक गई हूँ क्योंकि पहले मैं गई थी एडमिट कार्ड्स लेने सारे एंड उसके बाद मैं जो हूँ अब आई हूँ, जा रही हूँ वापस से अपनी किटी में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है, एक साथ दो दो प्रोग्राम्स आई कांट हैंडल, तो मैं निकलती हूँ। बाय बाय ऑन फुटपाथ। मैं आज फिर से जा रही हूँ मैया मैया चलते हुए एंड एवीर, एक रिक्शा भी नहीं है आज, तो मेरा उल्लू कटेगा डेफिनेटली। एक रिक्शा तो रही है, आई डोंट नो खाली है या भरी हुई है। मैं अभी आ चुकी हूँ घर पर, बस मैं चेंज करती हूँ एंड चेंज वेंज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी भाई, क्योंकि बहुत थक गई मैं। पूजा है तो आज मुझे कुछ नहीं पता किस चीज के ऊपर पूजा है, तो यहाँ पे चढ़ाई भी जाएगी। चावल रोटी आ चुकी है, तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:15 एंड सुबह गोलू की फरमाइश है कि गोलू को खाने हैं सुबह सैंडविचेस, तो मैं बस अभी जो हूँ सैंडविच वगैरह के लिए आलू उबालती हूँ, तो आलू उबल जाएंगे तो सुबह इजी रहेगा मेरे लिए।
यहाँ पर मैं ब्रेड ब्रेड भूल गई शायद, ब्रेड देखूँ पहले। इसका मतलब मुझे आलू का पराठा सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर तो आलू का पराठा सीख दूँगी इसके लिए। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं गाइज, एंड आई एम सॉरी कि आज मैंने माइक नहीं लगाया। आज का दिन ना थोड़ा सा बस ऐसे ही गया। ऐसे ही क्यों गया? एक्चुअली मेड आई तो वो थोड़ा सा भाई घर के लिए वो नहीं थी, तो उनके साथ सारा काम करवाना, उनको जगह बताना, ये सब चीज़ें में ना 2-2.5 घंटे कब बीत गए। देखो सुबह का जो शेड्यूल होता है वो बस ऐसे हो जाता है कि गोलू को भेजना, ये बार बार जो डोर ऐसे ऐसे कर रहा है, डर लगता है भैया। वैसी ऐसे हाथ से सुनती हूँ, वैसी डर के मारे बुरा हाल आता है। तो गाइस उसमें भी मैं लगी रही, फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर करा, दैन किटी भी गई, दैन मेरे बच्चों का एडमिट कार्ड भी मुझे लाना था तो उसमें भी गई। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई थी, मतलब एडमिट कार्ड लाने में अपने आप में ही 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो गाइस एक्चुअली सिर्फ इतना ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग जो मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरा मिनी व्लॉग, मेरी प्रोफाइल अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप फॉलो करिए, डोंट सेंड द रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगी। फिर दैन इंसान के मन में आता है लो रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करें। मेरे फ़ोन में अप्रॉक्स 4-5 हज़ार रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है जिनको मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ आप फॉलो करिए, तभी तक मेरी जो मेरी प्रोफाइल, मेरी व्लॉग्स, मेरे मिनी व्लॉग्स, मेरी रील्स आप तक पहुँच पाएंगे और आप मुझे अच्छे से देख पाएंगे। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल दैट टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे व्लॉग को देखने के लिए, कंटेंट को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोग देखते हो वही बहुत है। पीछे तो डर लग रहा है। ओके गाइज बाय।